नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर की जिसमें काफ़ी गिरावट हमने देखी है पिछले कुछ दिनों में। रिजल्ट्स ने कुछ डिसअपॉइंट किया। वैसे दिग्गज काउंटर है, अब निफ्टी का पार्ट भी है और खराब रिजल्ट के कारण काफ़ी फॉल आया। और मेरे मुताबिक ये बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है अब, और यहाँ से डाउनसाइड लिमिटेड है। और क्योंकि फंडामेंटली बहुत अच्छा शेयर है और रिजल्ट्स का भी रिएक्शन थोड़ा सा ओवर रिएक्शन है मेरे मुताबिक, क्योंकि रिजल्ट्स मैं मानता हूँ ख़राब हैं, पर जितना मार्केट में रिएक्शन आया है वो एक तरह से ओवर रिएक्ट करके मार्केट को एक बहुत ही मार्केट ने शेयर को काफ़ी सस्ते दाम में डाके खड़ा कर दिया है। जिस शेयर की बात कर रहा हूँ, या यूनाइटेड फॉस्फोरस कंपनी, एक अपने आप में केमिकल्स में एक लीडरशिप पोजीशन है इसकी, ना सिर्फ इंडिया में वर्ल्ड वाइड। इनका दो तरह के केमिकल्स हैं, एक तो क्रॉप बेस्ड क्रॉप प्रोटेक्शन वाले केमिकल्स, एक दूसरे अन्य केमिकल्स। और जो इनकी क्रॉप प्रोटेक्शन है, इनका 14% मार्केट शेयर है दुनिया भर में, तो आप इमेजिन कर सकते कितना बड़ा इनका प्रेजेंस है। और जो बाकी के केमिकल्स हैं उसमें एल्यूमिनियम फॉस्फाइड जिनका जो मेन केमिकल है उसमें इनका 25% मार्केट शेयर है दुनिया भर में। सो काफ़ी दिग्गज काउंटर है केमिकल्स में, काफ़ी इस्टेब्लिश है। और केमिकल्स में हम देख रहे हैं कि एक अच्छा रुझान भी बना हुआ है मार्केट में, काफ़ी प्रोडक्शन शिफ्ट भी हो रही है इंडिया में और बाकी जगह में चाइना से। सो केमिकल्स एक ओवरऑल एक पॉजिटिव आउटलुक है। स्टॉक ने भी हिस्टोरिकली बहुत अच्छा रिटर्न्स दिए इन्वेस्टर्स को, इस साल भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट आया था निजी के सरों से, और ऊपर के लेवल से काफ़ी फॉल आया है अभी स्टॉक में। 600 के भी ऊपर चला गया था और वहाँ से गिर के 400 के आसपास आया है स्टॉक। मेन कारण है कि नतीजे खराब रहे, और नतीजों में भी ज़्यादातर कंसर्न ये है कि इनका कंपनी का कर्ज़ा काफ़ी है। अब कर्ज़ा इसलिए भी ज़्यादा हुआ है कि कंपनी ने पिछले कुछ सालों में अच्छी एक्विजिशंस की हैं, और एक्विजिशंस के रहते हुए इनका जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी बढ़ी है, काफ़ी इम्प्रूव हुई है। बट क्योंकि डेट काफ़ी बढ़ गया है तो इसलिए मार्केट को कंसर्न है, और जो एफिशिएंसीज किक इन हो रही हैं उसमें टाइम लग रहा है आने में। दूसरा कारण था कि इनका काफ़ी शेयर जो है मार्केट का वो लैटिन अमेरिकन मार्केट से आता है, तो लैटिन अमेरिका में ख़राब स्थिति के कारण और ब्राज़ील में खास करके काफ़ी इकोनॉमिक हार्डशिप के कारण वो वहाँ पे उनके इफ़ेक्ट काफ़ी हुआ है। और क्योंकि ब्राज़ीलियन करेंसी में भी फॉल आया है तो वहाँ की जो इनकी अर्निंग थी उसमें भी गिरावट आई है। तो एक मेजर कंसर्न ये था कि ये है कि लैटिन अमेरिका में जहाँ पे इनके काफ़ी अच्छा परसेंटेज होता है सेल्स का, वहाँ पे दबाव रहा है मार्केट में। अब बट अगर आप ओवरऑल देखिए इनके पोजीशन, जो आपके सामने चार्ट आ रही है, जोग्राफिकली बहुत वेल स्प्रेड है इनका, इंडिया में, लैटिन अमेरिका में, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच इज़ मेनली अदर कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। बट एक बहुत बड़ा परसेंटेज इनका सेल्स लैटिन अमेरिका से है, 47%। और यहाँ पे क्योंकि इनका जो रेवेन्यू है वो कम हुआ है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ब्राज़ील में खास करके करेंसी में काफ़ी फॉल थी, तो ये एक मेजर कारण है कि इनका जो रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब आए कंपनी का। अदरवाइज एक और कंसर्न हुआ था कि कंपनी के जो ऑडिटर्स हैं वो चेंज हुए हैं, और उसके कारण भी एकदम से स्टॉक में काफ़ी गिरावट आई थी, पर कंपनी ने स्पेसिफाई किया है और वो एक बहुत ही मतलब जेन्युइन रीज़न है चेंज करने का, क्योंकि KPMG क्या इनका मॉरिशियस की जो आर्म है वो इसको इनको ऑडिट करती थी, तो उन्होंने क्या किया है कि पूरा कंसोलिडेट करके KPMG की जो इंडियन आर्म है उसको दिया है पूरा ऑडिट, उससे इनका थोड़ा कंसोलिडेशन हो जाएगा और सारी जो डिफरेंट आर्म्स हैं दुनिया भर में उनका थोड़ा इजी हो जाएगा ऑडिट करना एक जगह से। तो एक तरह से शिफ्टिंग हुई है ऑडिट की, और बिटवीन द KPMG के ही एक सिस्टर कंसर्न जो इंडिया में है उसके पास ऑडिट आया है, तो ऐसा नहीं है कि ऑडिटर पूरा चेंज किया गया है, ऑडिटर एक कंसर्न से दूसरी कंसर्न में गया है विद इन द सेम KPMG का अम्ब्रेला।
तो वो भी कोई ज़्यादा कंसर्न नहीं है। और जो मार्केट के बाकी कंसर्न्स हैं हाई डेट को लेकर, वो कंपनी लगातार एक पूरे रिस्ट्रक्चरिंग प्लान में है जिससे डेट को कम किया जा रहा है, कॉस्ट रैशनलाइजेशन की जा रही है, और कंपनी के जो पहले रिटर्न ऑन इक्विटी थे 20% के आसपास, वो गिर के आजकल 10% हुए हैं। और कंपनी के मैनेजमेंट को पूरा अनुमान है कि ये जो कॉस्ट कटिंग हो रही है और डेट रिडक्शन हो रही है, इसके रहते हुए ये जो इनका आरओई है ये वापस 20% जाएगा अगले कुछ तिमाहियों में। और बाकी अदरवाइज जो जैसे मैंने बताया कि रीसेंट एक्विजिशन के साथ इनका जो एफिशिएंसीज हैं ओवरऑल बिजनेस में वो और बढ़नी चाहिए। कंपनी नए मार्केट्स में भी एक्सप्लोर कर रही है अपॉर्चुनिटीज़, इंडिया में भी इनकी ग्रोथ अच्छी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ऐसा कोई ऐसा कंसर्न नहीं है। एक तिमाही के नतीजे खराब जो मेनली बिकॉज ऑफ थोड़ा हाई डेट और लैटिन अमेरिका के कंसर्न कारण आए, आगे भविष्य काफ़ी ठीक लग रहा है। और स्टॉक जो है वो बहुत सस्ते दामों में आया है। स्टॉक की जो एवरेज 14 टाइम्स की डिस्काउंटिंग थी, वहाँ से गिर के 10 टाइम्स की डिस्काउंटिंग में, तो 30% डिस्काउंट पे है लॉन्ग टर्म एवरेज अगर ली जाए तो। 30% डिस्काउंट में आपको एक बहुत ही दिग्गज काउंटर मिल रहा है जो कि NSE का भी पार्ट है और जिसने कि हिस्टोरिकली काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो मेरी राय होगी कि आप इसमें आप ज़रूर इसमें बाय कर सकते हैं। और मेरे मुताबिक जो सबसे जो ख़राब टाइम था स्टॉक का वो निकट से पीछे हम छोड़ाए हैं, और सभी तरह से जोग्राफिकली बहुत वाइड स्प्रेड बिजनेस है इनका, हिंदुस्तान में, लैटिन अमेरिका में, यूरोप में बहुत इनका वाइड स्प्रेड बिजनेस है। और आगे केमिकल्स का जैसे मैंने बताया कि कई कंट्रीज में से केमिकल इंडस्ट्री बाहर निकल रही है, तो एक नेचुरल एडवांटेज है इंडिया का जो यूपीएल बहुत अच्छे से उसको लिवरेज कर रहा है। तो मेरे मुताबिक 400 या अभी जो 415-20 जहाँ कोट हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, से लेके नीचे 400 तक आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक बहुत ही कॉन्जर्वेटिव टारगेट 580 का है जो कि 10 टाइम्स 2023 ईपीएस को डिस्काउंट करता है, और इसमें अपसाइड सरप्राइज का भी चांस है क्योंकि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 580 से भी काफ़ी ऊपर 650 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो एनी वे एट 400 के आसपास बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड पैराडाइम है। रिस्क मेरे मुताबिक ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है प्राइस में, जो भी कंसर्न है डेट को लेके और थोड़ा बहुत जो इनका कर्जा है ज़्यादा उसको लेकर 400 में बिल्कुल फैक्टर्ड इन है, बहुत सस्ते दामों में मिल रहा है। और मेरे को पूरी उम्मीद है मैनेजमेंट अदरवाइज बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इस कंपनी का, तो आगे चलते ही इनके काफ़ी अच्छी स्ट्रक्चरिंग भी होनी चाहिए और काफ़ी अच्छा डेट रिड्यूस होना चाहिए, और आगे चल के काफी अच्छे नतीजे भी आएंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी भी इंप्रूव होगा। और मेरे ताबे के साल डेढ़ साल में आपको 580 से ऊपर 650-700 तक ट्रेड हो सकता है, पर 550 का एक फेयर टारगेट मान के चले तब भी काफी अच्छा रिटर्न है करंट लेवल से, तकरीबन 40-45% अपसाइड पोटेंशियल है इस कंपनी के स्टॉक में। तो मेरा ये उम्मीद करूंगा कि आपका ये जो निवेश है आपको अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। मेरा YouTube वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और शेयर करिए। मेरे को आप टेलीग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।